आजमगढ़ कोतवाली थाना सरायमीर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला पुना पोखर सरायमीर में पूर्वांचल विद्युत विभाग का हुआ चेकिंग। आपको बताते चले खबर है उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ के कोतवाली थाना सरायमीर का, जहां सरायमीर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला पुना पोखर सरायमीर में पूर्वांचल विद्युत विभाग का चेकिंग हुआ। वहीं सरायमीर क्षेत्र के जेई आशुतोष गुप्ता ने 2 वर्ष बाद चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कुछ लोगों की धनराशि ज्यादा होने के कारण उनका केबल काट करके जेई आशुतोष गुप्ता द्वारा रख लिया गया। जब मीडिया द्वारा आशुतोष गुप्ता से पूछा कि जेई साहब सरायमीर क्षेत्र के पूना पोखर में कोई मीटर रीडिंग कर्मचारी नहीं रखा गया, क्या जो हर महीने बिल का धनराशि निकाल सके। वही ग्रामीणों ने बताया हमारे वहाँ कोई भी बिजली का बिल निकालने नहीं आता, करीब 2 साल से ऊपर हो गया। ग्रामीणों का कहना है सबसे पहले बिल रीडिंग काटने वाले को हर मंत्री भेजा जाए, ताकि जिसका भी धनराशि 100 या 200, 300, 500 रुपया मंथली आएगा वो जमा कर सके। जब ये साहब 2 साल पर आएंगे, किसी का 40,000 किसी का 50,000 बिल बनाएंगे, तो वह कहाँ से कोई जमा करेगा। आइए सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा बिजली विभाग के बारे में, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आजमगढ़ से नूरुलन अहमद। कहाँ कराने वाले हैं, थोड़ा तेज बोलिए। पूरा पोखर। आपके क्षेत्र में कोई बिल काटने वाला हर महीने आता है? नहीं। कितने साल पर टीम आती है यहाँ पर? कई सालों से नहीं आते हैं। तो जैसे बिल काटने वाला जो व्यक्ति सब लोग आई है पूरी टीम, कितने वर्ष पे आई है? हमारे होश में तो नहीं है। हर महीने कोई बिल काटने वाला आता है? नोटिस नहीं रहता। कनेक्शन काटने का नोटिस अलग से आता है। किधर रहता है? ऐसा थोड़ी होता है। अरे जब बिलिया नहीं दिए हैं तो कहाँ से पढ़ लें? अरे बिलिया नहीं, जब नहीं दिए एक बार तो पढ़ कैसे लें कि बिलिया